जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, राम नाम की महिमा कहते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुगति रूपी जो सुधा है यह सदा के लिए तृप्त करने वाली है, सदा के लिए लाभ हो जाए, जिस लाभ के बाद कोई लाभ बाकी नहीं रहता, जहाँ कोई दुख पहुँच ही नहीं सकता है, ऐसे महान आनंद को प्राप्त कराने वाली जो श्रेष्ठ गति है उसका रस राम नाम का जप करने से आता है। जो राम नाम से तृप्त हो जाते हैं वे फिर सांसारिक भोगों में फंसेंगे नहीं। उनसे कहना नहीं पड़ेगा कि पाप अन्याय मत करो, उनकी पाप अन्याय में रुचि रहेगी ही नहीं। जिनको भगवान नाम का रस नहीं मिला है वे धन इकट्ठा करने और भोग भोगने में लगे हैं। सज्जनों, माताओं, बहनों, भगवान के नाम में रस लो, इसमें तल्लीन हो जाओ, रात दिन इसमें लग जाओ, अपने आप पाप अन्याय छूट जाएगा, निषिद्ध आचरणों से स्वतः ही ग्लानी हो जाएगी। अभी मलिनता अच्छी लगती है, बुरी नहीं लगती। कारण क्या है? अंतःकरण बहुत गंदा है। जो खुद मैला है उसे मैली चीज ही अच्छी लगेगी। मक्खियाँ मिठाई पर तभी तक बैठी रहती हैं जब तक मैले की टोकरी पास से होकर ना निकले। मुख पर मक्खियाँ बैठने लगें तो बढ़िया सुगंध वाला इत्र थोड़ा सा लगा लो, फिर मक्खियाँ नहीं आएंगी, क्योंकि उनको सुगंध सुहाती ही नहीं। वे तो घाव पर जहाँ पीप खून मिले वहाँ बैठती हैं। ऐसे ही जिसका मन अशुद्ध होता है वह ही मलिन वस्तुओं की तरफ आकृष्ट होता है। भगवान के नाम रूपी सुगंध के मिलने पर फिर मैली वस्तुओं की तरफ मन नहीं जाएगा। सज्जनों, यह बड़ा सुगम उपाय है। भगवान के नाम का जप करो और प्रभु के चरणों का सहारा रखो। जैसे साधारण मनुष्य धन कमाने और भोग भोगने में रस लेते हैं, वैसे ही भगवत प्रेमी को भगवान के नाम और सत्संग और सतशास्त्रों के अध्ययन में रस लेना चाहिए। इस रस के लिए मानव जीवन मिला है। जिसे राम नाम लेने में रस आने लगेगा वह दिन रात नाम जप में लग जाएगा, फिर वह संसार के विषयों में फंसेगा ही कैसे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।